अब बताओ डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े लोग सेम या डिफरेंट? डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े लोग सेम या डिफरेंट? सो करेगा नहीं करेगा? करेगा। आंसर क्या हुआ? ए, सॉरी आंसर क्या हुआ? डी, नन ऑफ दीज। नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? ठीक है, डी पे टिक करो। इसका स्ट्रक्चर ओपन करके ये बना लो, इसका स्ट्रक्चर ओपन करके ये बना लो उसी के नीचे, और डी पे टिक करो। क्वेश्चन क्या था? कौन सो नहीं करेगा? ए वाला भी सो कर रहा है, बी वाला भी सो कर रहा है, और सी वाला भी। तो ऐसा कोई है नहीं जो सो ना करे। तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। डी पे टिक करो। एक क्वेश्चन और कराते हैं। हटाएं बेटा इसको। लिखने आने कुछ पेन रोक। आप बोलना शुरू करो। इसका अरेंजमेंट क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन के एक बॉन्ड पे कौन है? राइट। एक बॉन्ड पे ये, राइट है ना? आप बोलो बेटा, इस डबल बॉन्ड कार्बन के एक बॉन्ड पे कौन है? मानते हो ना? एक बॉन्ड पे ये। पहले बताओ इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? अबे एक एच है और एक ये पूरा है, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक पे एच है और एक पे ये पूरा, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। सो करेगा? सो करेगा। नहीं समझ में आया? लिखना नहीं, लिखना नहीं। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। पहले देख लो सुकून से इसको, आंसर बोलना नहीं अभी। सत्येन, जितना पूछे उतना बोलते जाना। ये जो डबल बॉन्ड का है, ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये जीआई के लिए काम का या बेकार? डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े मेरे भाई दो, बेकार है ना? ठीक। मंथन, ये वाला डबल बॉन्ड काम का या बेकार? बेकार। दोनों लोग सेम, ठीक। ये वाला डबल बॉन्ड बेकार, क्योंकि यहां पे इस बॉन्ड पे कौन जुड़ा है? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इस बॉन्ड पे भी कौन जुड़ा है? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। सेम या डिफरेंट? ये डबल बॉन्ड भी हो गया बेकार। टोटल डबल बॉन्ड थे कितने? तीन। ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार। कंपाउंड जी आई सो नहीं करेगा, वो तो बेकार हो ही चुका है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे से यहाँ पे भी दोनों एटम सेम है। तो चार डबल बॉन्ड थे, एक दो तीन चार, चारों के चारों बेकार। कंपाउंड जी आई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? अब एक क्वेश्चन एकदम सही करके दिखाओगे? लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सो, कैन बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैन बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
फिल्म भाई आंसर बताओ, बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो आंसर, पक्का? यस सर। चलो समझ में तो आया भैया, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम, बेकार हो गया। साइक्लो में और कुछ तो है नहीं, ठीक। यहाँ पे साइक्लो में ये इस कार्बन से जुड़े दोनों लोग क्या हो गए, सेम, ठीक है। यहाँ पे एक पे तो CH3 है, एक पे क्या होगा, H। हमें एक ऐसा ही कार्बन और चाहिए, एक ऐसा ही कार्बन और चाहिए जिससे जुड़े दोनों लोग क्या हो, डिफरेंट। ये तो बेकार हो गया, दोनों सेम है। यहां भी एक कार्बन दो वैलेंसी पूरी, दो बच्ची, दोनों पे क्या होगा, एच। तो ये कार्बन भी बेकार, ये कार्बन भी बेकार, एक ही कार्बन है तो ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, ये भी बेकार हो गया। हाँ भैया, डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों एटम सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। यहां भी सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। 100% सो करेगा, नहीं समझ में आया, 100% क्लियर है। हेडिंग डालिएगा सिस एंड ट्रांसफॉर्म, सिस एंड ट्रांसफॉर्म, सिस एंड ट्रांसफॉर्म इन एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन, सिस एंड ट्रांसफॉर्म इन एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। दो जगह सिस और ट्रांसफॉर्म देखेंगे, या तो एल्कीन में या तो एल्काइन में, सॉरी साइक्लोएल्केन में। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है ये सिस और ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल का पहला सिस्टम है सिस और ट्रांस, तो अगर कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है कि कौन सिस और ट्रांस शो करेगा, तो यही पूछ रहा है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कभी भी ये पूछा है कि सिस ट्रांस कौन शो करेगा, मतलब वो यही पूछ रहा है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अगर एल्कीन की बात करें, सी डबल बॉन्ड सी एच एच सी एल सी एल, सी डबल बॉन्ड सी एफ एफ आई आई, या साइक्लो एल्केन की बात करें सी एस थ्री एच, CH3 CH3 H H, हाँ भैया। चल, अगर सेम साइड पर सेम लोग हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। यहां भी एफ एफ सेम साइड पर है तो क्या हो गया, सिस। साइक्लोएल्केन पे सेम साइड पर सेम लोग हैं तो क्या हो गया, सिस। बोलो, क्या सेम साइड पे सेम लोग हैं, नहीं। अब की बार क्या है, डिफरेंट। सेम साइड पे डिफरेंट लोग हैं तो ये हो गया ट्रांस, सेम साइड पे डिफरेंट लोग हैं ये भी क्या हो गया, ट्रांस। तो सिस का मतलब है सेम साइड पे सेम लोग का होना तो सिस, डिफरेंट लोग हैं तो क्या होगा, ट्रांस। मतलब दोनों सीएल नीचे है सिस, दोनों फ्लोरीन नीचे हैं सिस, एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन ऊपर तो क्या हो गया, ट्रांस। बात समझ में आ रही भैया, एग्जांपल बनाओ फटाक से, सिर्फ एग्जांपल बनाएगा, लिखना कुछ नहीं है। सेम साइड पर सेम लोग हैं तो सिस होगा और डिफरेंट लोग हैं तो ट्रांस होगा। सेम साइड पर सेम लोग हैं, जिनको पता ना हो लिख भी लें,
सेम साइड पर सेम लोग हैं तो सिस, और सेम साइड पर डिफरेंट लोग हैं तो ट्रांस। अच्छा, कोई नीट में सिलेक्ट हो गया, ट्वेल्थ में फेल हो गया, तो क्या काउंसलिंग में एक्सेप्ट किया जाएगा? नहीं सर। कुछ लोग सोच भी रहे हैं, इतनी गहन मुद्रा में सोच रहे, कोई बहुत बड़ी बात बता दी अभी भैया, नीट में सिलेक्शन हो गया, ट्वेल्थ में तुमने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, ट्वेल्थ में फेल हो गए, तो क्या काउंसलिंग में एक्सेप्ट किया जाओगे? नहीं, भगा दिए जाओगे, चाहे टॉप कर दो नीट में, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, अभी पता चलेगा क्या इसके बाद वाले कंपाउंड में काम आएगा। हाँ भैया, नोट कर लिया? Yes, को सबने नोट कर लिया? ठीक yes, बात। एक भी एग्जाम्पल याद नहीं करना है, एक भी एग्जाम्पल याद नहीं करना है, सिर्फ इतनी बात दिमाग में रखनी है, सेम साइड पे है तो सिस, डिफरेंट साइड पे है तो ट्रांस। एक भी एग्जाम्पल याद नहीं करना है। सबको बोलने की जरूरत नहीं, जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे, मुंह बंद रखना अपना अपना। बोलो मेरे भाई, ट्रांस ट्रांस बोल बे। सो नहीं कर रहे? अबे बकलोल, अभी अभी बताया कि नीट में सेलेक्ट हो गए, ट्वेल्थ फेल हो गए, वो क्यों, क्या फर्जी बता रहे थे? नहीं यार, काम की बात थी। अभी देखो इधर एक बात बताओ, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों लोग सेम या डिफरेंट? सेम। बोलो सेम या डिफरेंट? सेम। जीआई शो करेगा? नो। जब जीआई शो नहीं करेगा तो सिस ट्रांस शो करने का मतलब ही नहीं। ट्वेल्थ में फेल हो गया, नीट में सिलेक्ट हो जाए, किसी काम का नहीं। बात समझ में आ रही ना भैया? तो अगर कभी पूछा जाए कि इनमें से कौन ट्रांस है या कौन सिस है, तो पहली बात तो ये है, सिस ट्रांस वही शो करेगा जो जेनेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो लिख लो भैया, लिख लो भैया, जरूरी है। अरे तुम लोग कलाकार हो, बोलो लिखवाया कहां था? लिखो इसको, सिस और ट्रांसफॉर्म वही कंपाउंड शो करेंगे जो जेमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। लिख लिया भैया? क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड can be so cis trans isomerism लिख लिया? Which of the following compound can be so cis trans isomerism? आंसर कोई बोलेगा नहीं, देख लो मन में आंसर निकाल लो, जिससे पूछना होगा हम पूछ लेंगे, प्लीज आंसर बोलिएगा नहीं। जब क्वेश्चन पढ़ो एक बार,
पढ़ के हमें सुनो क्वेश्चन क्या है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जब भी क्वेश्चन में ये पूछे सुनना ध्यान से कि कौन सिस ट्रांस हो करेगा, मतलब वो ये पूछ रहा है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो करेगा। जब भी क्वेश्चन में पूछे कि कौन सिस ट्रांस हो करेगा, मतलब वो ये पूछ रहा है कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो करेगा। बोलो सर्वेस। सी आमिर, तैयब, अहमद भाई, राहुल, बोलो आंसर। पक्का भैया? डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम, बेकार हो गया। साइक्लो कंपाउंड में दो कोई है नहीं तो ये साइक्लो भी सो नहीं कर सकता है। अच्छा यहां पे आ जाओ, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों सेम, बेकार हो गया। साइक्लो में इसके अलावा एक और होना चाहिए था तो साइक्लो वाला सो कर देता, साइक्लो भी सो नहीं करेगा। हाँ भैया, साइक्लो के अकॉर्डिंग तो ये भी सो नहीं करेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसके अलग एक और होना चाहिए। अच्छा एल्कीन की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे एच और एक वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे एच और एक वैलेंसी पे मेथिल, दोनों डिफरेंट है, मतलब 100% सो करेगा। समझ पा रहे हो ना यार? क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओगे ना तो अब अगली हेडिंग थोड़ी देर बाद जो आने वाली है ना, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें हम आइसोमर निकालना सिखाएंगे, तो आगे वाली चीज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो क्या ये देख पा रहे हो कौन सो करेगा और कौन सो नहीं करेगा? इतनी बात देख पा रहे हो? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक बात। एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं सिस और ट्रांस के, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एफ सी एल सी एल, ये भी साइक्लोहेक्सेन, ये एफ ये सी एल और ये वाला एफ यहां, ये वाला सिल यहां। हाँ भैया ये क्या हो गया? सिस। ये क्या हो गया? ट्रांस। बनाओ भैया फटाक से एग्जाम्पल बनाओ सिस ट्रांस का। एल्कीन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो करेगी जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। अगर सेम हो गए तो ऐसी एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो नहीं करेगी। साइक्लो कंपाउंड साइक्लो एल्केन कब सो करेगा? जब कम से कम दो कार्बन ऐसे हो जिनसे जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट हो तो साइक्लो एल्केन सो करेगा, वरना साइक्लो एल्केन सो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बना लिया भैया? ध्यान देना जरा, इस डबल बॉन्ड कार्बन बनाना नहीं, स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं। इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे कौन? ठीक, एक वैलेंसी पे ये, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। ठीक, इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे एच और एक पे ये पूरा ग्रुप, बोलो सेम या डिफरेंट है? तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सो करेगा? हाँ सो करेगा। अच्छा बताओ, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे जो दोनों एटम है सेम है या डिफरेंट है? बेकार हो गया, ये सो नहीं करेगा। इधर आओ, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़े दोनों सेम, ये भी बेकार, ये भी सो नहीं करेगा। एक और बच रहा है, ये वाला, हाँ भैया इसकी बात करने जा रहे हैं, इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन की। तो इस वाले डबल बॉन्ड कार्बन की
ये डबल बॉन्ड जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी पे क्या लगा है H, और एक वैलेंसी पे इस वाले बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा ग्रुप, मतलब इस बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप, बोलो सेम है या डिफरेंट है? अब एक इतना बड़ा ग्रुप है और एक सिर्फ क्या है H, तो ये कार्बन तो ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के एक बॉन्ड पे क्या लगा है H, और एक बॉन्ड पे ये ग्रुप, बोलो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट 100% शो करेगा। कितने सिस्टम है? दो सिस्टम। नहीं समझ में आया अभी, चलो एक और बनाते हैं, नोट आउट नहीं करना अभी कुछ भी। CH2 क्या अब डबल बॉन्ड में देख पाते हो कहां पे कौन जुड़ा हुआ है? ठीक है, चलो तुम बताओ भाई। हाँ। तुम बताना, ये बेकार हो गया, ठीक बगल में। हाँ तुम बताना, ये डबल बॉन्ड कार्बन की इस दो वैलेंसी है, दो पे कौन कौन जुड़ा, और कोई नहीं बोलेगा, खाली तुम बोलोगे। हाँ इस डबल बॉन्ड, हाँ इस डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी पे कौन कौन लगा हुआ है? एक H और एक क्या, बोलो 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 क्या है ये, और कोई नहीं बोलेगा, बोलो ना, ना ये जो लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, जो लिखा वो बोलना है भाई। ठीक है, इस दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन ये रहा, ठीक है, इस डबल बॉन्ड कार्बन की आप बोलो एक वैलेंसी पे कौन है? H। दूसरी वैलेंसी पे जो ये बोलो, दूसरी वैलेंसी पे खाली CH है या पूरा? पूरा, मानते हो ना भैया? अब इस डबल बॉन्ड कार्बन के एक वैलेंसी पे H है और एक वैलेंसी पे ये पूरा, सेम है या डिफरेंट है? इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे H है, एक वैलेंसी पे ये पूरा, सेम है या डिफरेंट है? क्या शो करेगा? मानते हो ना भैया? अगले डबल बॉन्ड कार्बन पे आए, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे H लगा है और इस वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप, डिफरेंट है। इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे H और एक पे ये पूरा ग्रुप, तो ये भी डिफरेंट है, शो करेगा। अगले पे आ गए, इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे H और इस वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप, इस डबल बॉन्ड कार्बन की एक वैलेंसी पे H और एक वैलेंसी पे ये पूरा ग्रुप। कितने कार, कितने डबल बॉन्ड है? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये शो करेगा? नहीं। ये शो करेगा? नहीं। कितने एल्कीन है? तीन। नहीं समझ में आया? आया। नहीं आया, आया। पक्का? ये भांग खा के आया है आज, दिन भी सोमवार है, प्रसाद है, प्रसाद खा के आया, वेरी गुड। चलो बताओ बेटा, आप बताओ ये कंपाउंड क्या, नहीं बताओगे? अच्छा सो नहीं करेगा, अच्छा ये बात। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम क्या है? सेम। डबल बॉन्ड कार्बन जुड़े दोनों एटम सेम, और कहीं डबल बॉन्ड है नहीं, ये कंपाउंड GI सो नहीं करेगा। क्या बात पल्ले पड़ रही है, क्या कंपाउंड देख के पहचान लोगे कौन सो करेगा और कौन सो नहीं करेगा? एक आखिरी क्वेश्चन लिखो फटाक से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड Which of the following compound, जितने भी हमारे लास्ट ईयर के बच्चे हैं ये हमें पीछे ना दिखाई दें, ये यहाँ आगे दिखाई दें नेक्स्ट टर्म से, जितने भी लास्ट ईयर हमसे पढ़े हुए हैं हमें यहाँ दिखाई देंगे नेक्स्ट टर्म से, ठीक है? और अगर तुम लोगों के टेस्ट में नंबर 180 में से 160 के ऊपर नहीं आए तो जूते से मारूंगा, ध्यान रखना कसम से, जूता भिगो भिगो के इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, या तो पढ़ाई करना छोड़ दोगे या तो पढ़ना शुरू कर दोगे, ये ध्यान रखना। जितने भी ये पुराने स्टूडेंट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, अगर तुम लोग के नंबर ढंग, हमें पता है बाकी लोग के आएंगे आएंगे, ये मत सोचना कि हमें उनसे ज़्यादा मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं मेरे भाई, हमें पता है कि तुम लोग के आएंगे, ये हरामखोर हैं इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें नेक्स्ट टर्न से पीछे वालों बताओ, नेक्स्ट टर्न से हमें यहाँ बैठे दिखाई दोगे, ठीक है? उमम तुम भी, हामद तुम भी, उत्कर्ष तुम भी, मंथन तुम भी, ये पूरी लाइन हमें यहाँ यहाँ बैठे दिखाई देगी, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ
नहीं तो उससे क्या हुआ बेटा, कोई बात नहीं, कहीं वाले हो हमसे लास्ट टाइम पढ़े हो ना, यहाँ यहाँ बैठे दिखाई ना यहाँ पे। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आंसर बोलिएगा नहीं, जिससे पूछना होगा पूछ लेंगे, मुंह बंद रखना बिल्कुल। आंसर बोलना नहीं, बोलो आंसर पक्का, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक बात। आंसर क्या हो गया, थर्ड। भैया पहला वाला शो करेगा, बोला जरा पहला वाला शो करेगा, पहला वाला शो करेगा क्या, पहले वाले के हिसाब से या तीसरे के हिसाब से या दूसरे के हिसाब से, मान दो ना, इसके हिसाब से शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, दोनों आइटम सेम है, ये शो नहीं करेगा, दोनों आइटम सेम है, तो ये शो करेगा लेकिन बीच वाले डबल बॉन्ड के हिसाब से, ये शो करेगा ही नहीं क्योंकि दोनों आइटम क्या हो गए डिफरेंट, सॉरी ये शो करेगा क्योंकि दोनों आइटम क्या हो गए डिफरेंट, तो ये भी शो करेगा, इधर आ जाओ, इसके अकॉर्डिंग शो नहीं करेगा बेकार है, इसके अकॉर्डिंग भी शो नहीं करेगा बेकार है, तो यहाँ पे तो कोई कम कोई सिस्टम है ही नहीं जो शो करे, तो आंसर क्या हो गया सी, क्योंकि आपसे यही पूछा था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, आंसर क्या हो गया सी। समझ में आ गया भैया, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ इसको नोट नहीं किया गया अभी, नोट कर लो जो लोग नोट कर रहे हैं पहले नोट कर लें, फिर लिखवा रहे हैं। नोट कर लिया भैया, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई कंपाउंड दिया हो और बोले इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, अभी आपने यह पहचाना कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, कौन सी सिस फॉर्म होगी और कौन सी ट्रांस फॉर्म होगी। अब ये बताने जा रहे हैं कि किस एल्कीन में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, दो केस होते हैं, एक केस होता है कि अगर टर्मिनल पे जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n, ये n होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मान लो डबल बॉन्ड दो हुए तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आ गया 4, डबल बॉन्ड 3 हुए तो 2 की पावर 3, आंसर आ गया 8 आइसोमर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जब टर्मिनल पे जुड़े हुए लोग डिफरेंट होंगे, दो केस है, पहला केस भाई
जैसे टर्मिनल मतलब किनारा, एक किनारे पे मेथिल, दूसरे किनारे पे भी मेथिल, तो सेम लोग हो गए। एक पे मेथिल और एक पे एथिल, डिफरेंट हो गया। एक पे एच और एक पे सीएल, डिफरेंट हो गया। तो ये केस तभी लगेगा जब टर्मिनल पे जुड़े हुए लोग डिफरेंट होंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि अगर टर्मिनल पे जुड़े हुए लोग डिफरेंट है तो जीआई का फॉर्मूला 2n, और अगर सेम है तो दूसरा फॉर्मूला। तो हम एक कंपाउंड बनाते हैं, जरा ध्यान देना। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, हाँ बताओ। और किसी की आवाज में टर्मिनल पे जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल सेम है या डिफरेंट है? सेम है। आप बताओगे बेटा? सेम। आप बताओगे? सेम। पुजारी बताओ? सेम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ में आ रहा होता है कोई दिक्कत नहीं, बोलो मेरे भाई। ठीक, अब हमें कुछ बातों की जरा क्वेश्चन बताना शुरू करो। ये डबल बॉन्ड जी आई शो करेगा क्योंकि दोनों लोग, ये डबल बॉन्ड जी आई शो करेगा क्योंकि दोनों, ये वाला शो करेगा, ये वाला शो करेगा। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, गलत लिखी है। मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर n टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो यहां डबल बॉन्ड 1 2 3 4, आप n की वैल्यू क्या रखोगे? 4। आंसर गलत आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला तो शो कर ही नहीं रहा है, ये वाला तो शो कर ही नहीं रहा है। तो सही बात क्या है? n वो डबल बॉन्ड है जो जी आई शो करेंगे। ये वाला डबल बॉन्ड जी आई शो नहीं करेगा तो एन में कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड जी आई शो नहीं करेगा तो ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो सबको दिखाई दे रहा है कि टर्मिनल सेम है, टर्मिनल सेम नहीं है, टर्मिनल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सुकून से और जरा ध्यान से समझना। ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन, बोलो जी आई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये वाला शो कर रहा है? नहीं, ये वाला बेकार है। ठीक है, ये वाला भी बेकार है। ये और ये शो कर रहा है। टर्मिनल वहां से माना जाता है जो डबल बॉन्ड कार्बन जी आई में पार्टिसिपेट करता है। तो ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये हो गया इसका टर्मिनल, और ये डबल बॉन्ड कार्बन जीआई में पार्टिसिपेट कर रहा है ये हो गया इसका टर्मिनल। अब बताओ कार्बन कितने बे? अबे कितने कार्बन है? दो। यहां कितने? टर्मिनल सेम या डिफरेंट? नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें देख के ऐसा लगेगा कि सेम है लेकिन सेम नहीं होगा। यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली वाली क्लास में। अभी हमने तुम्हें आइसोमर निकालना नहीं सिखाया, खाली पैक ना करो, अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है, इतना बोला मतलब कुछ बोल दो बैक पैक छुट्टी हो गई। भैया अभी हमने खाली आपको यह सिखाया है कि जीआई कौन सो करेगा और कौन सो नहीं करेगा। आइसोमर निकालने के बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो जरा हमें फटाफट बताते जाओ, एल्कीन, एल्कीन जो है वो कब जीआई सो नहीं करती है? हाँ, कहां पे? डबल कार्बन नहीं बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम अगर सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। बोलो जीआई में, जीआई में फटाफट बोलते हो स्ट्रक्चर और किसी की आवाज ना है जिससे पूछे स्ट्रक्चर बदलता है या नहीं बदलता है? हाँ स्ट्रक्चर बदलता है। अच्छा याद करना जरा, हमने चार लोग को खड़ा किया था और आपसे बोला था कि ये एक कंपाउंड है, ये अरुण तोमर यहां से हटा, यहां पे जुड़ गया, बॉन्ड हटा, बॉन्ड चेंज हुआ तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर हुआ। तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ लेकिन जीआई में क्या होता है, बॉन्ड इसी से लगा रहेगा बस वो टिल्ट हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बदलेगा? नहीं बदलेगा।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या स्ट्रक्चर बदलता है? नहीं। ज्योमेट्रिकल में क्या स्ट्रक्चर बदलता है? नहीं। क्या बदलता है? एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज होता है। अगर सेम साइट पे सेम लोग हैं तो सिस होगा, डिफरेंट लोग हैं तो ट्रांस होगा। हम साइक्लो कंपाउंड में बेटा कैसे पता करेंगे? क्या बात है कि हम साइक्लो एल्केन में पता कर लें कि यहां पे ज्योमेट्रिकल होगी या नहीं होगी? कितने कार्बन? दो। वो दो कार्बन कैसे? जिनसे जुड़ी दोनों वैलेंसी से एटम सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। भैया फिर सुन लेना, वो एल्कीन जीआईसो नहीं करेंगी जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम क्या हो जाएं? सेम। अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। वही साइक्लोएल्केन्स को करेंगे जिन साइक्लोएल्केन में कम से कम कितने कार्बन हो? दो। जिनकी जुड़ी दोनों वैलेंसियों से एटम सेम हो या डिफरेंट हो? सेम हो या डिफरेंट हो? अगर डिफरेंट होंगे तभी सो करेगा, वरना सो नहीं करेगा। अगर सेम साइट पे सेम लोग हैं तो सिस, डिफरेंट लोग हैं तो ट्रांस। जो बताया है 100% क्लियर है? यस सर। एकदम। यस सर। कल इसी की आगे की बात करेंगे, इतना रिवाइज करके आइएगा। जीआई कैलकुलेट करना बताएंगे दोनों केस। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। 10 मिनट।